I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam? Okay. तो मुझे अभी जैसे एक चीज याद है, बहुत लोगों ने पूछा है इंट्रो के बारे में, जो हमारा न्यू इंट्रो है वो हमारे फ्रेंड ने एडिट किया है हमारे लिए. काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कौन 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 है, तो वो हम यहाँ पे ना उसका आईडी में भी सब दे देंगे, गौरव अग्रवाल. लेकिन प्लीज उनको कोई नहीं बोलेगा रिएक्ट ऑन दिस. हमारे एक दोस्त का हमने जब व्लॉग में टाइम इंस्टाग्राम आईडी दिया, उनको मैसेज आने लगे प्लीज रिएक्ट ऑन दिस. नो गाइस डोंट डू, वो एकदम आउट ऑफ दिस है. वो सिर्फ हमें हेल्प कर रहे कुछ कुछ चीजों को लेके, लेकिन ये सब नहीं. आप उनको अप्रिशिएट कर भाई. हाँ अप्रिशिएट करो यार, अगर अच्छा लगा तो. गाइस आज हम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हम आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम हम इर्तुरुल पे रिएक्शन देने वाले हैं. एंड लाइक हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हम इर्तुरुल पे करें, लेकिन काफी बार हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे किस वीडियो पे करें, क्योंकि हम लोग ने एक दो पहले किया था, फिर कॉपीराइट इश्यूज के कारण अब तक हमारे पास बस पड़े हैं वीडियोस, वैसा हो रखा है. अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने कहा है इर्तुरुल एंड हलीमा इनके लव स्टोरी, तो आई थिंक काफी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि एक प्रॉपर एंगल, लाइक हम लोग अब तक जो वीडियोस देखे थे उसमें एक मिक्स एंगल होता था हर चीज का, और इसमें भी दो का लव स्टोरी है. सो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, बिकॉज़ हमने मैक्सिम इर्तुरुल के काफी सारे साइड्स देखे हैं. बट हमेशा मैक्सिमम जब हम दूसरे साइड देखते हैं वो कोलैबोरेशन ऑफ वीडियो होता है, एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं. रोमांटिक ऐसे थोड़ा सा रहता है, रोमांटिक तो बहुत ही कम होता है, भाई ये तो पूरा रोमांटिक रहेगा. सो एंड वीडियो भी 7 मिनट्स का है, देखते हैं. बड़ी अच्छी से वो लोग फुल स्टोरी बताने वाले हैं इन लोग की, एंड सो वेरी 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 मच फन, एक अलग ही चीज. यस गाइस, सो टुडे वी आर, अच्छा हमने बता दिया, ओके दिस इज उर्दू एंड इट वाज अपलोडेड बाय वर्ल्ड क्लास. वर्ल्ड क्लास Guys, let's start. Let's start. ये कहां ले जा रहे थे तुम? हमारे हाल पर छोड़ दो हमें, कहां जाना होगा हमें? तो रवाना हो रहे हैं आप, तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है. दुरुस्त, आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है, पर आदत होने से मुश्किल भी हो जाती. ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके, हर मुश्किल आसान हो आपकी, खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं, कामयाबी मुकद्दर हो आपका. तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और वापस आओगे तो शायद हमें नहीं पाओगे. मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ हलीमा. तुम्हारा सफर आसान हो अर्दुरुल, हर कोई बेचैनी से मुंतजर था आपका, और मुझे भी. मेरे लिए लाए हैं आप. ये बहुत खूबसूरत है अर्दुरुल साहब. तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है. छटके मैं दुनिया नू की तेन
तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है, जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। दिल ये होया मेरा चूर, सोनी लग दी ये तो हूर, ओमी में थो ना तू दूर, यहाँ गुजरे हुए दिन ही ख्वाब की तरह है मेरे लिए, और हर ख्वाब को एक दिन खत्म हो जाना होता है। तुम्हारे ख्वाब जिंदा रहेंगे, इन्हें टूटने नहीं दूंगा मैं कभी। हमारा सफर बहुत कठिन है, मंजिल तो सामने है मगर रास्ता मुश्किल है। ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूं कि मेरा सब कुछ आप है। कबूल है। तेरे जैसा दुनिया ते सोना कोई होर नहीं। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी तुम। कबूल है। मेरी अखियां दा तू नूर, सोनी लगदी है तू, ओमी मैं तू ना तू दूर, जानिया। कॉपीराइट के कारण ऑफ है, लेकिन इनको क्या हुआ? ओह गॉड, क्या हो गया? म्यूजिक क्यों नहीं है? मैं बताऊँ तो कुछ तो चल रहा है। ओह माय गॉड यार, ओह शिट, चेक द वॉल। 7 मिनट खत्म। कॉपीराइट इश्यूज हो गए। ओह माय गॉड, दैट्स रियली शॉकिंग यार। हां सब अच्छा जा रहा था, नो वन वुड एक्सपेक्ट दैट यार। अभी तो उनको बेबी हुआ था, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज वहीं पे उनको कॉपीराइट आया। हां वरना कुछ तो ऑडियो क्लिप होता, कुछ तो होता ना। बट किस तरह से स्टार्टिंग से एक दूसरे को सपोर्ट किए उन्होंने यार। स्टोरी बहुत अच्छी थी, एंड बहुत ज्यादा वीडियो बनाया उन्होंने, बहुत अच्छे से बनाया, लाइक पूरा अच्छे से हमें फुल समझ आया उनकी क्या स्टोरी है, वो लोग कैसे मिले, धीरे धीरे ऑल द इम्पोर्टेंट क्लिप्स उन्होंने वहां पे डाली है। मतलब सिंस द स्टार्ट टिल द एंड
एंड तो मुझे लगा एक हैप्पी एंडिंग होगा, हैप्पी फैमिली कुछ तो थोड़ा तो एक यू नो थोड़ी स्टोरी उनकी और लंबी चलती. इट वाज सैड यार, एक्सपेक्टेड नहीं था. वी नो हाउ टू रिएक्ट ऑन इट. क्या बोले, मतलब बहुत सुंदर था स्टार्टिंग का पूरा, लेकिन एंड में कैसे रह तू योगी यार. कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकता कुछ और भी हो, बिकॉज सिंस ये थोड़ा वॉर सीरीज है तो हो सकता है ना सम इंडेड समथिंग टू हर. ओके लेट्स नॉट गेस, बट शी आर क्यू एंड ऐसा हुआ अच्छा. नो वी कांट वेस्ट टाइम ऐसे, नो वन इज नीड टू वेट. बट लड़की कितनी प्यारी है यार, बहुत सुंदर. हमने पहले भी जब देखा था हमने कहा था ये एक्सट्रीमली प्रीटी है, बहुत ज्यादा. एंड हमने कितने सारे उनके पिक्स के जब वो मार पीट, मतलब ये भाई बॉस लेडी, ये सारा कुछ नहीं आया था. उनके क्लिप्स बहुत अमेजिंग थे जो हमने थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे देखे हैं, क्लिप्स बहुत अच्छे, डायलॉग्स इतने मस्त मस्त ऑन पॉइंट थे यार सच में. हमारी जिंदगी आपकी अमानत समझ के. And I love the fact, ये लोगों ने जो ज्वेलरीज मैं बोलने वाला था सच में, मुझे ना एक आप ऑब्जर्व किया जहाँ पे उसका एक क्लोज क्लोज शॉप होता है और उसके रिंग दिखती है मुझे. अच्छा मैं जब तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार इनके जो ज्वेलरीज है बहुत ज्यादा इट इज यूनिक. एक्चुअली जो भी ये एंशियंट टाइप वालों पे बनाते हैं ना उनमें बहुत ध्यान रखा जाता है ये सब. हाँ, ये सब एक्सेसरीज, ईच एंड एवरी थिंग, एक रिंग या कोई छोटी सी भी चीज हो पूरा ध्यान रखा जाता है. तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे अपन ने अभी पकड़ा है कि वो रिंग के वजह से एक ऐसा पुल हो गया है, वैसे सबके लिए रहता है अलग अलग कुछ. एंड दे हैव टू बी सो केयरफुल विद देयर थिंग्स, दे हैव टू बी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर मेकिंग अप, इट्स नॉट फिक्शन वाली चीज, इट्स एक्चुअली हैपन. बहुत इजीली ऑफेंसिव हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट एवरीवेयर. हमसे पूछो कहीं पे कुछ भी होता है. हमारे यहाँ पे भी जैसे काफी सारी यू नो जैसे पद्मावती वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स रीसेंट वन. पद्मावत बन चुका है जो अब आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर मतलब इट वाज सच अ स्टूपिड, जो भी राइट्स हुए थे उस टाइम सेंसलेस विदाउट मूवी देखे तो मैं राइट्स करना. एक्चुअली कुछ लोग जो बहुत ही ओवर अटैच होते हैं एक चीज से, दे डोंट वांट एनीथिंग इधर का. उन्हें भी समझना चाहिए मूवी है यार वो. पीपल नीड टू टेक इट, थोड़ा लाइट हो जाओ यार दिमाग से दिल से. अगर यार वो हमेशा ये पार्ट पे सोचते हैं कि जैसे पद्मावती को जैसा भी किया उन्होंने, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इतने सारे लोगों तक पहुंच रही है ये चीजें, तो कितनी बड़ी बात है यार. नहीं उनको ये छोटी छोटी चीजों पर ही झगड़ना है. जैसे वी बीइंग राजस्थानी, वी बीइंग मारवाड़ी, हमें भी नहीं पता था अबाउट पद्मावती. तो इट इज सच अ मतलब बैक थिंग फ्रॉम आवर साइड आल्सो कि हमें अपने चीजों के बारे में नहीं पता जो पहले हो रखा है. हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है हमारी हिस्ट्री बहुत ही वीक है. नहीं बट हमें पढ़ाया भी नहीं, हाँ भाई था भी नहीं. सो वी वर एक्चुअली हैप्पी कि ऐसे न्यू न्यू जब हमारे पास पता चलता है हमें कि चलो वाओ ऐसी भी कोई चीज हुई थी, ये भी हुआ था. तो आई थिंक हर चीज को एक पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को लेट गो करना सीखना चाहिए. हाँ नहीं बट खाली नाम पे ही नहीं होता है, मूवी के अंदर के सीन्स पे भी काफी इश्यूज होते हैं, तो उसके वजह से उनको वो चॉप डाउन करना पड़ता है, तो हम तक नहीं पहुंच पाती, तो वैसे ही पूरा खराब हो जाता है. आधी आधी चीजें पहुंचती है, हर एक चीज के पीछे बहुत मेहनत है. और ऑफेंसिव तो लोगों को ऐसा लगता है ना, बस बैठने के बाद कुछ काम नहीं, मेरे पास आज ऑफेंसिव हो जाता है, कोई चीज निकाल रहे कुछ तो निकालता है यार. पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, भले वो कोई भी सीरीज हो, ये हो वो कुछ भी हो यार. okay, पीछे बैक टू दिस, इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. यार किसका फोन बज रहा है. आफ्टर वॉचिंग दिस आई रियलाइज, व्हेन मैं भी एक शॉप में गई थी उनके पास एक रिंग था, उसमें इत्रुल का ये लोगो जैसा था. यू टोल्ड मी एक शॉप में उन्होंने पहना हुआ था. मतलब लोगों को कितना ज्यादा पता है भाई, इसे घर के बच्चे टी शर्ट पहन रखे हैं. हमने जो बता दिया एक वीडियो में, वापस में वापस वो फोटो नहीं ढूंढ रही हूँ प्लीज, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला फोटो वोटो. लेकिन एक्चुअली इर्तनल इज बीइंग सच अ पॉपुलर थिंग, हम जैसे जो यूथ है आज के उनको पता ही नहीं अबाउट दीज थिंग. नहीं पता है, एंड इट्स वेरी मच फन टू नो अबाउट थिंग्स दिस वे, क्योंकि एक जो हम बुक में पढ़ते हैं एक वे होता है जिस तरह से वो प्रेजेंट कर पाते हैं, बट लाइक यू नो थ्रू सिनेमा एंड स्क्रीन एंड एवरीथिंग एक बहुत ही बेटर वे मिलता है लोगों को. और अपने जैसे यूथ ना ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं वो चीज़ों को, ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं, बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं. लाइक ओके नहीं आज नहीं आज नहीं. हाँ तो आई थिंक ये सब चीज थैंकफुली आई है. एंड इस सीरीज की बात करें, सीरीज इतना खुद में ब्यूटीफुल है. हमने
वो वीडियो बाहर नहीं आया तो हम सोच रहे एक और बार दूसरे वैसे टाइप के वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वो, मैं उसके बारे में बात करने वाली थी। ठीक है, हमने काफी सारी चीजों पर रिएक्शन दिया इतरुल के बारे में, लेकिन आई थिंक हर चीज में जैसे वो फ्रेंडशिप का वीडियो था वो पूरा मतलब ऐसा लगता है सीरीज में क्या क्या है, बिकॉज नॉर्मली एक स्पेसिफिक जॉनर होता है कि चलो एक पिच पे चलने वाला है पूरा सीरीज, अब ये फाइट है तो पूरा फाइट होगा, थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन नहीं बट इसमें सब है पता है, रोमांटिक आज अपन ने देख लिया, फ्रेंडशिप फाइटिंग और यार फाइटिंग पे तो आते ही है, मैं वापस से 10 बार बोल सकता हूँ कि भाई इतना इनके शॉट्स ऐसे एक दो शॉट्स ही थे लेकिन वो भी बहुत अच्छा, वो इनिशियली थे ना वो तीर वाला एरो के साथ जाता है कैमरा, एंड देयर वाज दिस वन शॉट जहाँ पे वो कुछ कर रहे होते हैं लेकिन क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड अब उसको कैसे बोलते हैं पीछे ब्लर होना ऑलरेडी, वो उनकी वाइफ उनका नाम हालिमा होगा, हालिमा कुछ कर रहे हैं तो वो सीन भी बहुत प्यारा है कि आप दोनों चीजों को साथ में कैसे दिखा रहे हो, तो एब्सोल्युटली बहुत यार इतने टाइम पहले कैसे इतना कुछ सोच के एग्जीक्यूशन हो सकती है, सब एक्सेसरीज कितने सुंदर है शादी के तो एकदम कॉस्ट्यूम्स हो गया सब कुछ ही हर चीज, इनफैक्ट उनके फाइटिंग सीन्स उनके कॉस्ट्यूम्स उनके शॉर्ट्स एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, तो हमेशा हम जब भी इर्तुतुल देखते हैं थोड़ी देर ऐसे भाई फिलहाल तो हम उससे निकले हैं कि हाँ ठीक है उनका जैसे उन्होंने दिखाया है डेथ यार लेकिन एक्चुअली इट वाज सैड बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए बिकॉज ऑलरेडी ऑडियो चला गया, मुझे लगा कुछ अपने में मुझे भी एक सेकंड लगा लेकिन बाद में रियलाइज वो पहले ही रियलाइज हो गया था कि अपन ने ऐसे देख रखे कॉपीराइट इश्यूज, अब हमें पता भी है कि होते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपने भी में देख रखे होंगे बीच में ऑडियो चला जाता है लेकिन दैट इज हाउ इट वर्क्स, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया कि एक वो फ्लो टूट गया था वहां पे कि अरे क्या हो गया, आई थिंक वो एक नेगेटिव चीज हो गई थी लेकिन बहुत अच्छा था ओवरऑल, वी एंजॉयड इट। हमें बताना कि क्या हुआ था वो टाइम पे, हाँ मतलब बोलो कि कुछ डायलॉग्स होंगे ना कुछ तो होंगे, बहुत ही इमोशनल रखा होगा जब शादी वादी जैसे सीन्स में इन लोगों ने जो डायलॉग्स यूज किए ये तो बहुत ही मेजर सीन्स में से हुआ, बहुत ज्यादा तो काफी उन्होंने रखा होगा कुछ, वी लव दैट, मजा आ गया, बहुत मजा आया, गाना भी बहुत सुंदर था, बड़ा प्यारा सा, वही ऐसा लग रहा था ना सुना है लेकिन कभी नहीं सुना, मतलब एक होता ना ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जब सुनने में से लगता है थोड़े से क्योंकि इनके वर्ड इतने जो प्यारे प्यारे से होते हैं वो दूसरे सॉन्ग्स में भी यूज होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सुना हुआ था, बीच में डायलॉग्स में खा गया भी हाय मजा आ गया, तब मजा आया इसी के तो बंद हो गए, कितना प्योर सा था बहुत ज्यादा, मतलब ओवर वो दोनों की कनेक्टिविटी कितनी प्योर दिखाई थी, एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि एक बार के लिए भूल भी जाता कोई भी कि अरे ये एक्चुअली इट इज नॉट रियल, बिकॉज वो इतने क्यूट लग रहे थे विद टुगेदर, मतलब विद वन अनदर रियल भी लग रहे थे, हाँ बहुत ज्यादा बस रियली वेरी प्योर एकदम ही प्यारा सा ऐसे हाथ पकड़ना, वो छोटी छोटी डिटेलिंग्स थी, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड डिटेलिंग्स ही काम आती है पता है क्या, हाँ डिटेलिंग्स जो अच्छे से देख ले, Guys, thank you so much for watching the video after a long time. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care.